जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज सुबह सुबह देख रहे हैं कि आप हजारीबाग का छठ तालाब, जिसमें छठ पूजा मनाया जाता है, लेकिन आज से यहाँ पे साफ़ हो रहा है। और यहाँ पे एक नेताजी हैं जो इसको साफ़ करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक खास कार्यक्रम होने वाला है। 2 अक्टूबर को गंगा आरती का कार्यक्रम यहाँ पर होगा छठ तालाब में, और उसी को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से छठ तालाब की साफ़ सफाई चल रही है। और साफ़ सफाई जिनके तरफ से चल रही है, उनसे हम लोग बात कराएँ कि क्या उद्देश्य है और क्यों ये साफ करवा रहे हैं। छठ तालाब में हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे झाड़ू ले खड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी आप ज्वाइन कर लिए हैं क्या? अरे नहीं, झाड़ू ले खड़े हुए हैं छठ तालाब में। जरूरी थोड़े है, कोई झाड़ू लिया तो वो आम आदमी पार्टी हो गया। हाँ, बस वही 2 तारीख को गंगा आरती का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। हाँ, महालया के शुभ अवसर पर, उसके बाद दुर्गा पूजा की। और देखा जाता है प्रायः कि छठ तालाब का छठ के 1-2 दिन पहले ही सफाई का निकलता है, तो नगर निगम प्रशासन को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि कम से कम 15 दिन पहले आपाधापी में काम ना हो। तो इसी बहाने एक छठ तालाब का सफाई भी हो जाएगा, और 2 तारीख को हमारी का एक कार्यक्रम है गंगा आरती का। अच्छा, तो उसके निमित्त आज यहाँ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। तो क्या है कार्यक्रम में, गंगा आरती में जो कार्यक्रम? बनारस के पंडित लोग आएंगे यहाँ पर। हाँ, जो उनकी मंडली है वो आएंगे, और भव्य बनारस की यहाँ गंगा आरती जो वहाँ पर होती है उसको यहाँ उतारने का प्रयास किया जा रहा है। तो मतलब शाम में जैसे वहाँ पे होता है, शाम में वहाँ यहाँ 5 बजे शाम से यहाँ पर कार्यक्रम होगा। शहर के जितने भी लोग हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि छठ तालाब बहुत गंदा है, मतलब कैसे कैसे करवाएंगे? बस आज से ये प्रयास जारी है, अब 2-4 दिन में इसकी एक अलग ही छवि दिखेगी आपको। आप खुद आ गए हैं कि आपकी टीम भी साथ में? जी, सब कोई साथ में है। हमारे टीम नगर निगम के भी लोग हैं, हमारे टीम के भी लोग हैं, सब सुबह से ही यहाँ काम चल रहा है। और चूंकि 3 तारीख से मैं हमेशा की तरह जो नवरात्र में मौन व्रत रहता हूँ, तो उसमें फिर संभव नहीं हो पाता है। इस बार भगवती आशीर्वाद बनाए कि वो मैं कर पाऊँ। बिल्कुल, तो 2 तारीख को देखिए भव्य कार्यक्रम है गंगा आरती को लेकर, जो बनारस में होती है उस तरह गंगा आरती है। और यहाँ डॉक्टर अमित सिन्हा जो हैं वो सुबह सुबह खुद आ गए हैं छठ तालाब साफ़ करने के लिए, श्रमदान के लिए आज आए हैं। और इसी को लेकर छठ पर्व से पहले ही लग रहा है कि छठ तालाब जो है पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा। इस बार पूरे के पूरे सफाई कर्मी पहले से लगे हुए हैं। ये प्रयास इनका यही था कि 2 तारीख से पहले जो है पूरा छठ तालाब साफ़ कर दिया जाए। शाम में 6 बजे से यहाँ पे गंगा आरती होगी, भव्य गंगा आरती होने वाली है। और शहर के सभी लोग यहाँ पे आके देख सकते हैं, जिस तरह से जो लोग बनारस नहीं जा पाते हैं, लाइव नहीं देख पाते हैं गंगा आरती को, वो यहाँ पे गंगा आरती देखेंगे। और ये छठ घाट जो है इसके लिए फेमस है, यहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं और छठ के लिए मशहूर था। उसी को लेकर यहाँ जो अमित सिन्हा हैं, डॉक्टर अमित सिन्हा, वो भाजपा के एक नेता हैं और इस बार काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं, और छठ तालाब की सफाई में और गंगा आरती में हजारीबाग लोग के वासियों को प्रेरित कर रहे हैं।